हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नया इंटरेस्टिंग व्लॉग में। हम सब बड़े हैं, अगर आप सब भी बढ़िया होंगे। तो अभी टाइम हो रखा है 8:53, 9 बज रखे हैं। अभी मैंने वीडियो पोस्ट पे लगा रखी है, फटाफट पोस्ट हो जाए, नेट चल जाए, वरना फिर अपना देखे जुगाड़, कॉल पे कनेक्ट कर और चल जाएगा नेट। पापा के बाद में कॉल करता हूँ और कनेक्ट करता हूँ कॉल पे, तो फास्ट चलता है। एक ही सही है, जियो का है ना, तो बढ़िया। तो आज मम्मी बना रही है यहाँ पे खीर पूरी पकवान जो बनते हैं, क्योंकि आज है दादी का ना, तो आज हमारे दादी का श्राद्ध है, तो श्राद्ध तो वहाँ करेंगे, पर घर में पकवान वो सब तो बनते हैं, जो भी बनते हैं। गाय को खिला देते, गाय को खिलाते हैं ना। गगराज दे दिया थे। गगराज तो दे दिया, रोज ही दे रहे हो तो खैर। गगराज जो आटे का बनता है ना, गोल गोल, दो वाले दे देंगे ना चावल का। ये सब भी देंगे आज गाय को, ये बना बुन के ना, पूरी चावल दाल सब बन गया। क्या बन गया? खाए नीचे रखे है दाल चावल नीचे। अच्छा, मुझे लगा कुछ नहीं बना। ये सब्जी है, सब कुछ बन गया है खाना। आज पूरी बनती है, खीर भी सब बनते हैं ना, त्योहार श्राद्ध व्राद होते हैं जैसे, तो वो सब बना दिए। मैं फटाफट वीडियो काम करता हूँ, पहले थंबनेल वगैरह बनाना। गाय को दे दिया तो पितर तक पहुँच जाता है। हाँ, गाय को देते हैं तब पितर तक पहुँचता है, ये सीन होता है। गाय माता होती है ना हमारी, गौ माता, तो इस वजह से दे दिया। तो फटाफट थंबनेल का काम करता हूँ, वीडियो को पूरा करता हूँ, जो जो काम है वीडियो में उसके बाद मिलते हैं यार, बाकी जो भी होगा दिन में करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के आ चुके होंगे व्लॉग में, तो आपको पता चल गया होगा हम कहाँ गए हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो बस व्लॉग को बने ना, व्लॉग को एंड तक देखना। तो मैं रेडी तो हो गया हूँ, और अभी 10:17 हो गए। दोस्त से कहा था मैंने, मतलब दोस्त से एकदम से कॉल आया सुबह कि भाई चल ले कहीं घूमने चल ले। ऊपर पार्क है ना एक, मतलब अल्मोड़ा का जो मस्त पार्क है वही है, और तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है यहाँ पार्क। तो वहाँ जाने वाले हैं, सब दिखाएंगे आपको क्या है क्या है, कैसा है क्या नहीं है। तो ब्लॉग में बने रहना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना चैनल अभी तक नहीं किया है तो। और फटाफट मैं रेडी हो गया हूँ, उन्हें कहा था 10-15 तक, 15 मिनट मैंने थंबनेल बनाया, खाना खाया, रेडी भी हो गया, मतलब 15 मिनट में इतना जल्दी। मम्मी से पूछो ना, मम्मी खाना खाया कहाँ ढंग से, तो फिर भी जितना भी खाया जल्दीबाजी भी नहीं खाया जाता ना। हाँ, तो वो चीज़ है। और आजकल मम्मी इतनी खतरनाक हो रही है गाय, मैं बता नहीं सकता। मम्मी ने आजकल नई नई चीज़ें सीख ली हैं, ब्रो भिड़ू भिड़ू, और एक और चीज क्या, थारा भाई जोगिंदर इतने बर्तन धो देगा आज के लिए, सारे बर्तन धोएगा। बोलते जरा, एक मैं बोलना जरा, थारा भाई जोगिंदर अब थोड़ा बर्तन धोएगा, दूध लाएगा, सारा काम करेगा फिर। थारा भाई जोगिंदर हो रही है मम्मी कहते यार। मैं कैप पहनूंगा अभी, क्योंकि कैप पहनने का एक रीजन ये भी है कि ये जो बाल है ना, देखो कितने सिल्कियां देख रहे हो, ये मतलब ऊपर नहीं टिकते, ये नीचे आ जाते हैं, बहुत ज्यादा सिल्की बाल हैं, बहुत ज्यादा, तो इस वजह से पसीना बहुत आता है, तो ये चिपक जाते हैं बाल यार, तो अजीब हो जाता है। तो कैप पहनता हूँ तो कैप से सही रहता है, तो एक रीजन ये है कैप पहनने का, तो कैप पहनेंगे अपन, वरना बाल सही है, अच्छे लगते हैं मेरे को तो बाल पर कैप पहनने का कोई रीजन ही है, बाकी कोई नहीं, अपने आप को कम्फर्ट मिलना चाहिए, बाकी दूसरों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अभी फटाफट मैं तो रेडी हो गया हूँ, और कुछ नहीं करना मेरे को, अपन कैप पहनी का निकल लेंगे, अब देखते हैं कब आते हैं दोस्त लोग। बस बने रहना ब्लॉग में, सब देखेंगे, सब दिखाएंगे, सब करेंगे, सब दिखाएंगे। क्या खीर? खीर भी नहीं खाता मैं, मीठा वीठा बिल्कुल नहीं खाता। चल मैं जा रहा हूँ मम्मी, बाय। मेरे को तो टेंशन हो गया है। क्यों, क्या हुआ? बाल सब उखड़ गए हैं। हाँ मम्मी, बाल झड़ गए, चल मैं जा रहा हूँ, बाय बाय बाय। यहाँ का मेन गेट, इसमें लिखा है सिमतोला इको पार्क, और यहाँ पे टिकट कटता है जो यहाँ पे है। यहाँ पे एक चीज़ और अच्छा है कि यहाँ पे पार्किंग का है, ये यहाँ पे पार्किंग वाला एरिया है, जो गाड़ी लेके आएगा तो ये पार्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं सिमतोला इको पार्क में, ये कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर हो गए अभी आसपास। चिड़ियाघर जैसे हम परसों गए थे उस साइड था, ये है इस साइड हमारे घर से, और यही रास्ता कसार देवी को भी जाता है, जो मैंने परसों बताया था वही रास्ता है। तो यह है यहाँ का पार्क, सिमतोला इको पार्क। यहाँ जो एडल्ट हैं उनके 12 रुपये हुए प्रति व्यक्ति, और बाकी जो बच्चे हैं उनके 6 रुपये। तो जो आना चाहे आ सकता है, यहाँ का भी मैं दिखाऊंगा आगे जो जो है क्या क्या है। अभी हमारे साथ एक और बंदा है, अभी दिखाऊंगा बाद में कौन है वो। ये बंदा बाद में वो होगा, क्या कहते हैं उसको, फेस रिवील होगा इस बंदे का बाद में, सभी जानते हैं इसको, हर ब्लॉग में दिखता है। अभी दिखाऊंगा यहाँ पार्क कैसा है, क्या क्या है यहाँ,
व्लॉग में बने रहना आगे। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जंगल, जंगल पीछे दिख रहा होगा जंगल, वो बंदा जो मेरे साथ वो आगे चले गया, हिमांशु बर्ड जो हर व्लॉग में दिखता है, इको पार्क नहीं नहीं चिड़ियाघर वाले में था मेरे साथ, हालत खराब हो गई, जूतों में पूरे कांटे लगे, अभी दिखाता हूँ। ऊपर है इको पार्क सिमतोला पार्क, हम आए नीचे, वो कह रहा था कि सब लोग कहते हैं यहाँ वो है, मतलब मैं तो कभी गया नहीं, तो वो बता रहा था कि यहाँ वो है नीचे पानी का खाओ जैसा पूरा है, नहाएंगे कह रहा था, मैंने कहा चल नीचे गया वो है कह रहा, देखता हूँ जाके, जूते में इतना खतरनाक कांटे लग गए हैं ना, कुछ नहीं मिल रहा, पहले हम घूम के एक बार वहां से ऊपर चले गए, ये देखो गाइस जूते में ऐसे अंदर चले गए, कांटे हैं छोटे छोटे, इतना गंदा लग रहा है, पूरे चुभ रहे अंदर तक यार, बहुत परेशानी होगी, यहाँ फुल्ली एडवेंचर होगा भाई, फुल्ली एडवेंचर। यो चलो देखते हैं वहाँ कितना पानी भयंकर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ जंगल में बैठ रखा वहाँ। चलो आखिर का इसने ढूंढ लिया भाई ने की क्या कहते हैं इसको, क्या है ताल, यह है सामने ताल, खाओ कह रहे इसको, जो भी है चलो देखते हैं पास जाके कैसे नहाएगा, क्या मछली की तरह भाई नहाएगा, अभी देखते हैं यार भाई को, भाई बहुत सही है यार, काफी बड़ा है, मतलब काफी सही है, पानी कम है, इसमें बहुत बड़ा था भाई, इधर तक पानी जाता है। अच्छा अच्छा कम हो गया होगा, अभी जाड़ों में तो खत्म हो गए हैं, जब बारिश वारिश आएगी ना, अभी जो इतना पानी है वरना पूरा भरा रहता है, हाँ गर्मी भी बहुत हो रही, हिसाब से भी काफी है, मौसम बढ़िया है, मजा ही आ गया आज तो भाई साहब। चलो भाई पहले हम कहाँ घूम के आए यार, पहले हम उस साइड चले गए थे लेफ्ट साइड पूरा, फिर वहां से घूम के कत्थप, फिर घूम के वापस हम इको पार्क आए ऊपर, अब यहाँ आ गए हैं, बाकी झूले वूले तो हम थोड़ा बहुत झूला, और पानी भी साफ है कोई है नहीं ना हमारे, हाँ बाकी इसके बाद झूलेंगे भाई, झूला वोला तो अच्छे से झूला नहीं, अभी देखते हैं यहाँ का सीन क्या है, ओ भाई मजा ही आ गया है, पानी भी साफ है, हाँ जो पेड़ नहीं करो, हाँ वहाँ तक पानी रहता है भाई, बहुत बढ़िया है भाई, मैं तो यहाँ आया ही नहीं, इस जगह में नहीं आया, इको पार्क तो काफी टाइम बाहर आए हैं पर यहाँ नहीं आया, और सारे जूते में पूरे कांटे लग गए यार, हम तो बहुत कुछ सीखेगा भाई, चल चल अभी सीखना क्या है इसमें, तो गाइस ये है मुझे तो बहुत गंदा लग रहा है पानी, इतना गंदा लग रहा है ना, साफ है ना, इतना साफ अभी दिखाता हूँ देखना, खैर वीडियो में तो नहीं दिखे पर वैसे बहुत गंदा दिख रहा है, देखते हैं क्या करते हैं। तो गाइस ये देखो ये है पानी, ये देखो यहाँ पे देखो कितना गंदा हो रहा है, वीडियो में तो खास नहीं दिख रहा पर गंदा है, चल भी नहाते हैं, चल नहा रहे हैं, चल भट भट तो तैयार हो रखा भाई नहाने को, ओ भाई साहब भाई तो फॉर्म में आ गया, ओ बेटा अपना भाई तो चले गया पानी में, ओए ओए पहले आने तो दे पानी में, भाई एक तो पोज दिखा दे यहाँ पे तू भाई भाई तेरे स्टंट आते हैं क्या पानी में, अबे अभी मछली बन जाऊंगा ऐसे करके रुक भाई का, अबे अभी दिखाना है फिर मैं भी तो आऊंगा, चल दिखा दे भाई आज मान जाएंगे, पानी ठंडा हो रहा पहले तो, देखो आता है कह रहा था तू तैरना भाई, चल दिखा देखने तो देख कहां तक, हाँ चल जा चल जा, तो नहीं तू जाना मैं फिर उसके बाद आऊंगा, उसके बाद बनाएगा ना भाई, आज उसके बाद कैसे बनाऊंगा, बिना गहरा पानी कुछ दिख तो रहा नहीं, तू डर के चल मैं भी आता, चल भाई मजा आ गया नहाने में तो, मैं तो पहली बार नहा रहा हूँ ऐसे नदी वदी में कहीं, भाई मजा आ गया सही में यार, ओ भाई साहब लौंडे, इसको आता मेरे को नहाना नहीं आता सही बात बताओ, अरे भाई अरे भाई भाई सही में यार तगड़ा, मेरे को तो नहीं आ रहा है ना, पहली बार मैंने ऐसे एक्सपीरियंस किया कि नदी के अंदर कैसे लगता है, कह रहा ही भाई मजा आ रहा है सही में, ये वैसे कैमरा लेके जाता हूँ, अबे कैमरा डूब जाए, नहीं डूबेगा यार, मैं आपको कहूंगा तैरा कैसे जाते हैं, नंबर वन स्टेप ऐसे बैठ जाओ, नंबर टू इसके अंदर चले जाओ, अरे भाई सांस नहीं ली जा रही अंदर से, हबीबी हम जा रहे हैं पानी में हबीबी, भाई एक बार बोल दे फिर से बोल दे वाला, जोर से बोलना, वो हबीबी मनी कांट भाई हैप्पीनेस वाला बोल, अबे पूरा गलत हो जाएगा ना वीडियो, पहले छापते हैं मुझे हबीबी हबीबी कम टू सिंपल, अबे आराम से मोबाइल नहीं आने चाहिए भाई, पागल है क्या इतना दिमाग तो है, अबे नहीं मैं शिक्षक दिखाऊंगा हबीबी सिंपल, देखा मेरे शिक्षक दिखा भाई ये बाबी, ओ भाई साहब भाई लगा दी डुबकी, बस मैं अबे ज्यादा मत, अबे मोबाइल है वो क्या था वो बता मुझे क्या था वो हबीबी क्या था वो हबीबी कम टू सिमतोला, नहीं नहीं अबे अरे मोबाइल भिगाएगा पक्का, अबे ऐसा मत कर रहे, ये मजा नहीं आया कि मेरे को तैरना नहीं आ रहा, ये मजा नहीं आया, मैंने ट्राई किया भाई तीन बार ट्राई किया, और तीन के बाद पानी डाल जाएगा ना नाक में चले जाए, एक बार तो सही रहा कि मैंने सांस नहीं ली, पर दूसरी बार हो ही गया था कि नाक चल गया, अभी गंदा हो गया काफी पानी, बीच में नहीं जा रहे हम, वहाँ भंवर टाइप का है ना, हर लुढ़क जाएंगे तो रिस्क नहीं लेना, तो वैसे अभी
हम नीचे से आ गए, ये कांटे तो निकल ही नहीं रहे, इतने ज्यादा लग गया ना जूतों में और जीन्स जूतों के अंदर भी घुस गई। तो ये है यहाँ के नीचे वाले झूले, इतना कुछ एरिया है इसका, मैं वैसे सिनेमेटिक में दिखा दूंगा, जो भी है कुछ खास तो है नहीं मतलब, ठीक है। ये वाले झूले फिर भी ठीक है, ऊपर तो थोड़े बहुत ही अभी दिखाऊंगा ऊपर के भी, यहाँ पे बेंचेस वेंचेस लगे हैं, जो आना चाहे आ सकता है, मतलब घूमने उमने का अच्छा है, काफी बड़ा एरिया है ना, ये सीन है। चल भाई स्लोमो बनाएंगे भाई का, आ जाओ ना, उन्होंने अभी पूरे चक्कर दिला दिए भाई, इसमें बैठा बैठा क्या अपना वहां चले गया था खेत में। ओ भाई साहब तो तेज घुमाने में चक्कर आ गए खतरनाक वाले। चल अकेले जा, कितना देर जाते हैं, बहुत सही बच्चे बहुत सही। तो कैसे, ये यहाँ का रेस्टोरेंट अभी तो फिलहाल बंद है, ज्यादातर जब भी हम आए हैं बंद ही रहता है, पता नहीं खुलता कब है। ये रेस्टोरेंट है इको कैंटीन करके नाम है इसका, और गाइस ये है यहाँ का इको पार्क जो मेन है ऊपर का, पीछे कैंटीन है, ये बंद है अभी फिलहाल तो, और यहाँ कोई भी नहीं है। नीचे दो लोग दिख रहे थे हमें, फैमिली वाले वही थे, देखो पूरा बंद हो गया, वो भट्ट तो चले गए आएगा। मैंने जरा ये भी दिखाया जाए कैसा सीन है, ये देखो गाइस इतने सारे झूले हैं यहाँ पर, देखो एरिया देखो ना कितना अच्छा है, वो देखो एक जगह वो भी है वहाँ पे, ऊपर जा सकते हैं हम, वो देखो दिख रहा होगा यहाँ से, बाकी एरिया बहुत अच्छा है, साफ सफाई भी है, डस्टबिन भी अच्छे से रख रखे, काफी अच्छा है, मतलब जो घूमना चाहता है अपनी फैमिली के साथ आओ, दोस्तों के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ, काफी बढ़िया है घूमने के लिए। पहले यहाँ पे वो भी था, ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ से उस पेड़ तक रस्सी बची थी, जैसे हम परसों एसएसबी में नहीं था वैसी रस्सी थी, तो बहुत गहरा है ना नीचे तक, तो इसमें खतरनाक डर लगता है। मैं आधे रास्ते तक गया था एक बार, जब पीछे आया था तो हाथ था उठी वापिस आ गया, अब रस्सी वस्सी सब हट गई है, और ये जो कैंटीन है सब बंद ही कर दिया अच्छे से, उन्होंने पता नहीं खुलता है नहीं खुलता है अभी, अच्छे से बंद ही कर रखा है, जब मैं आ रहा हूँ कभी नहीं खुल जाते, एक बार खुला तो बड़े मुश्किल से, कुछ खास खाने को नहीं था। और यहाँ पीछे शायद मंदिर है ऊपर साइड कुछ, तो अभी चलते हैं, वो तो आगे चले गया, मैंने जरा वीडियो बना के आता हूँ कुछ। कहते हैं काफी बड़ा एरिया है, मतलब इतना बहुत ही काफी बड़ा एरिया है इस चीज का, और जो जो छोटे छोटे झूले भी लगे हैं ऐसे ही है, देखो इधर उधर, और डस्टबिन भी काफी काफी बहुत बढ़िया है, मतलब घूमने लायक ना जगह है, मतलब पास से भी है हमारे, काफी 3 किलोमीटर लगा लो हमारे घर से, तो काफी बहुत ही बढ़िया है, मतलब घूमने के लिए तो आराम से, और टाइम स्पेंड करो और जाओ, किराया भी ज्यादा नहीं है, बच्चों का 6 रुपए बड़ों का 12 रुपए, काफी बेस्ट है हर जगह। तब मैंने कहा हम तो काफी टाइम गए हैं, पर मैं आप लोगों को भी दिखाया जाए क्या है यहाँ का बेस्ट पार्क है नंबर 1 अल्मोड़ा का, बाकी और तो कोई ज्यादा खास पार्क दिखे नहीं, यहाँ 3-4 पार्क हैं। बाकी जो मजा है ना, सबसे मेन मजा तो नहाने में आया है, मुझे तैरना नहीं आ रहा था, सही बात बताऊँ मुझे नहीं आता, मैं इससे पहले कभी गया नहीं हूँ ना नदी में ना कहीं, होता है और लोगों को भी फेस किया होगा जिसको नहीं आता, तो मजा आया उसमें, पानी गंदा हो रहा था थोड़ा, तो फिर हम आगे जब गंदा होने लगे था ज्यादा, तो और टाइम तो काफी रहता क्या रहता जो मेरा दोस्त है मतलब भरा रहता है, और इस बार तो लोग नहाने भी नहीं आ रहे, बहुत कम लोग आ रहे, देखो पूरा कोई पार्क ही खाली था, तो इस वजह से वो था, इस वजह से बहुत कम पानी था और गंदा भी हो रहा था। तो अब हम और जगह जाएंगे जो यहाँ नदी वदी है ना, वहाँ के ब्लॉग भी आएंगे, देखना जरूर, ठीक है, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। तो वैसे अपन अभी अपन आए हैं यहाँ के रेस्टोरेंट है ना कोई
कसार देवी के आसपास के रेस्टोरेंट कसार देवी कह रहा हूँ मैं, सिंतोला इको पार्क के आसपास है भाई, उसके जो नीचे जस्ट रोड है वहीं पे, तो आना चाहे जो आ सकता है, यहाँ मिलते हैं आपको समोसे और राजमा। पिछले बार में आते जाते तो भी मिलते हैं, मतलब समोसे के साथ मिलेंगे राजमा, छोले नहीं मिलेंगे राजमा मिलेंगे, तो हम राजमा समोसे खाएंगे अभी। पिछले बार मतलब 11th में आया था मैं जब, उस समय खाया था हमने राजमा और समोसे, तो ये है वो रेस्टोरेंट। और यहाँ मोमोज वगैरह भी हैं और जो भी खाना चाहो मिल जाएगा। तो गैस अभी यहाँ पहुँच रखा हूँ घर, अभी जस्ट पहुँचा हूँ, 2-3 मिनट हो रहे होंगे और टाइम हो गया 3:30, पता भी नहीं चला कि 3:30 कब हुआ बहुत सही में पता ही नहीं चला यार। और मेन मजा आया तो यार नहाने में आया, पर थोड़ा उतना साफ पानी नहीं था यार, और दोबारा घर जाकर आया तो अभी नहाना पड़ेगा, पानी लगाता हूँ फिर नहाता हूँ। तो मजा आया ना मम्मी, उतना साफ नहीं था ना, तू इसको बंद कर खिड़की से। ये देखे मम्मी तेरे को एक चीज दिखाऊं, ये देख जूते देख, क्या क्या लगा है ये क्या? कांटे जैसे कहाँ लगाए इतने लग गए ना ये पैंट में पूरे अंदर, पता से क्या होता है वो लग जा रहे थे, अब जानना तो था ही, नीचे जाकर जा रहे थे हम, रास्ता नहीं था वो, रास्ता था फिर भी लग जा रहे थे, पूरा जंगल टाइप का हुआ। तो क्या हुआ फिर, नाना जी आए यहाँ फिर? हाँ मैंने सुन, नाना जी आए सपने में, सपने में आए तो मैंने कहा मैं ईजा ने क्यों नहीं कहा, ईजा किसी के यहाँ पर बैठी है छत में, मैंने कहा ईजा ने क्यों नहीं कहा सुबह तेरे बाबू ब्याह आल करने दिन में कानो कानो। तो मम्मी के सपने में आ गए थे नाना जी, तो इस ब्लॉग को मैं करता हूँ एंड, मैंने सब कुछ बोल दिया था, मम्मी ने बाद में बताया। तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे नहीं हो तो, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी एक और मस्त से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, नहीं गुड नाइट रात को होगा, तो टेक केयर, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। I quit ordering from all those fast food chains. I'm feeling better, there's no doubt about it.